हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC एक्सपर्ट। गाइस, आप देख रहे हैं आज स्टार डेल्टा वायरिंग कनेक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ जान रहे हैं आज स्टार डेल्टा वायरिंग कनेक्शन क्या है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार वायरिंग कनेक्शन जो अपना रहता है, थ्री फेस मोटर जो भी रहेगा उसका, उसमें स्टार डेल्टा अगर बात हो रही है तो थ्री फेस का मोटर का ही बात होगा, उसमें सिंगल फेस में स्टार डेल्टा वगैरह नहीं आएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अपना मोटर का जो भी वाइंडिंग होता है ना, इसका नाम दिया UVW, जो देख रहे हैं ना, ये अपना वाइंडिंग का नाम UVW में ही दिया जाता है अपना थ्री फेस मोटर का। तो इसके लिए हर एक मोटर के एक वाइंडिंग का दो सिरा रहेगा। तो U1 V2 जो दिख रहा है ना, ये दूसरा सिरा उसका V2 में रहेगा, और V1 का दूसरा सिरा V2 में रहेगा, W1 का दूसरा सिरा W2 में रहेगा, कुछ इस तरह से अपना ये दिख रहा है ना, मोटर का नेम जो वायरिंग कनेक्शन प्लेट रहता है ना उसका ये फिगर बनाया हुआ है। तो स्टार कनेक्शन में कभी भी हम लोग दूसरा सिरा इसको आपस में लूप कर देते हैं, तीनों एक पट्टी जो डालते हैं हम लोग स्ट्रेट W2 U2 Y2 को स्ट्रेट ज्वाइन कर देते हैं, ये पट्टी बनाई हुई है। तो ये जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ यहाँ पे देखिए, स्टार कनेक्शन में U2 W2 Y2 आपस में जुड़ जाएगा पूरा, दूसरा हर एक वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरे अपोजिट में है जो दिख रहे हैं, तो हर एक वाइंडिंग का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा है। अब यहाँ से हम लोग पावर दे रहे हैं RYB, यहाँ से इसमें वोल्टेज आएगा। तो इसमें हर एक वाइंडिंग में आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल का काम करेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा आपस में दूसरा है ना, अब हर एक वाइंडिंग में आपको 220 वोल्टेज ही मिल रहा है इसमें, 220 या 240 वोल्टेज इसको फेस वोल्टेज हो जाएगा, फेस वोल्टेज हो जाएगा इसमें, हर एक वाइंडिंग में हमको 220 वोल्टेज मिल रहा है ये स्टार कनेक्शन में। सेम उसी कंडीशन में आप डेल्टा कनेक्शन में जाएंगे तो डेल्टा कनेक्शन का जो हम लोग पट्टी जो डालते हैं अगेंस्ट स्ट्रेट पट्टी डालते हैं, स्ट्रेट पट्टी डालने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, अब जैसे इसका जो आपको दिख रहा है U1 एक वाइंडिंग का एक सिरा, दूसरे सिरा में U2 आ रहा है, तो U2 में अभी देखिए इसमें दूसरा फेस आ जा रहा है, U1 और U2 में देखिए इसमें फेस आ जा रहा है। तो इसमें अब जैसे इसमें रेड फेस आ गया, इसमें वाई फेस हो गया, तो ये दो मिलके क्या होगा 440 वोल्टेज हो जाएगा, इसको लाइन वोल्टेज मिल रहा है सीधा, लाइन वोल्टेज मिल रहा है 440। हर एक वाइंडिंग में आपका डेल्टा कनेक्शन में टू फेस आ जा रहा है, टू फेस होने के लिए लाइन वोल्टेज हो गया और सीधा सीधा 440 वोल्टेज मिल रहा है डेल्टा कनेक्शन में। ओके गाइज, ये डेल्टा कनेक्शन का पट्टी है, इसका ये डिटेल है। अब बात करते हैं हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन का। स्टार डेल्टा कनेक्शन में कभी भी हम लोग क्यों करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन, अगर अपना कभी भी स्टार कनेक्शन में ना पावर कम, एम्पियर करंट जो है कम लेता है इसके अगेंस्ट, काफ़ी 2-3 times ज़्यादा लेगा इससे, स्टार कनेक्शन से ज़्यादा 2-3 times ज़्यादा कनेक्शन डेल्टा में रहेगा, 2 times ऑलमोस्ट। ओके गाइस, इसमें करंट कम रहेगा इसलिए हम लोग स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है ना, मोस्टली मोर देन 5 kW के ऊपर के जो मोटर रहते हैं उसमें ही स्टार डेल्टा वायरिंग कनेक्शन करते हैं। अगर 6-7 kW का है या 10 kW का है तो स्टार डेल्टा ही चाहिए, ओनली आप डेल्टा कनेक्शन में नहीं चला सकते हैं, तो उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मैंने ड्राइंग भी बना रखा है। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर अपना यूज़ करने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आपको 3 लगेगा, एक OLR इसमें दिखा रखा है, OLR ये इसमें नेम प्लेट है, इसका मोटर प्लेट है। ओके, इसके साथ एक टाइमर भी लगेगा क्योंकि इसका जो ये लूपिंग है ना सेम यहाँ पे, मतलब सबसे पहले इसका स्टार्ट करेंगे हम लोग इसमें स्टार कनेक्शन में, तो कैसे होगा, ये मेन कॉन्टेक्टर जो है ना हमेशा कंटिन्यू ऑन रहेगा, और मेन कॉन्टेक्टर के साथ स्टार कॉन्टेक्टर है जो है ना, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है, तो स्टार्ट इसके साथ में करेंगे दोनों एक साथ। तो क्या होगा, अपना ये कॉन्टेक्टर ऑन है, इसमें पावर U1 V1 W1 में पावर गया, और दूसरे साइड में अब ये जो स्टार कॉन्टेक्टर रखा है इसका ऊपर से हमने लूप कर दिया है,
जो ये पट्टी लूप है ना, सेम ये यहाँ पे लूपिंग आ जा रहा है। अब ये लूपिंग होने की वजह से यहाँ से पावर इधर लूपिंग पूरा इसको लूप हो जाएगा ये, और ये एक साथ जब चलेगा तो ये पूरा सेम ये वाला मतलब पोजीशन आ जाएगा, ये लूपिंग में आ जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। और कुछ ऑलमोस्ट आठ से दस सेकेंड तक चलाते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक अपना उसका RPM है ना अपने मेन उस पर चला जाएगा, और करंट जो स्टार्टिंग करंट इसको इन रश करंट भी बोलते हैं, स्टार्टिंग करंट कभी भी जो उसका एक्चुअल करंट से मोर देन 3 times ज़्यादा रहता है। अगर आपका रेटेड एम्स 10 है तो 10 के जगह 30 ले सकता है, 25 ले सकता है करंट, तो स्टार्टिंग इसलिए स्टार कनेक्शन में लेगा तो थोड़ा कम रहता है। फिर स्टार कनेक्शन में ऑन होगा, उसके बाद 8 से 10 सेकंड पे जब नॉर्मल होगा ना तो फिर डेल्टा में वो डायरेक्ट इंटरचेंज होगा। डेल्टा इंटरचेंज होगा तो ये स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होने की वजह से देखिए पावर है ऊपर से, इसमें पावर डायरेक्ट इधर जा रहे हैं, RYB तीनों जो है ना यहाँ से यूवन, तो अभी सेम ये अलग कनेक्शन आ जा रहे हैं। अब ये पट्टी समझिए स्ट्रेट इसमें डाला था ना हमने, इसमें पट्टी डालेंगे नहीं, ये विदाउट पट्टी डाले हुए कॉन्टेक्टर के थ्रू पावर इधर हम लोग लेके आ रहे हैं डेल्टा कनेक्शन में। तो ऐसे अपना डेल्टा कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डेल्टा कनेक्शन का वायरिंग मतलब मेन लाइन वायरिंग था। अब कंट्रोल वायरिंग की बात करते हैं। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए डेल्टा कनेक्शन का कंट्रोल वायरिंग के लिए हम लोग को सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो रहेगा OLR तो रहेगा, इसमें OLR है और 3 मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के साथ टाइमर भी कंपलसरी लगेगा, क्योंकि टाइमर के ही थ्रू हम लोग मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर जो ऑन करते हैं, उसके बाद जो ऑफ करके डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन करने के लिए टाइमर का रिक्वायरमेंट होता है। तो टाइमर के बिना स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर नहीं हो पाएगा ऑन। तो गाइज इसके लिए हमने बना रखा है कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। तो इसमें OLR तो ऑलरेडी है। सबसे पहले लाइन जो लेंगे ना, इसका लाइन OLR का 95-96 जो कंट्रोल रहता है OLR का NC कॉन्टेक्ट, यहाँ पे 95-96 इसमें ज़रूर रहेगा पॉइंट। तो NC से हम लोग कंट्रोल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कभी भी OLR कटआउट वगैरह कुछ ओवरलोड हुआ तो कंडीशन में काम करेगा OLR, तो 95-96 से ही क्रॉस करेंगे। 95-96 के बाद स्टॉप पुश बटन जो यूज़ करेंगे हम लोग, उसका NC कॉन्टेक्ट के साथ, फिर स्टार्ट में NO कॉन्टेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद सीधा अपना ये कॉन्टेक्ट जो है ना मेन कॉन्टेक्टर में जाएगा A1 में। सबका जो न्यूट्रल दे देंगे, सब डायरेक्ट कर रखा है न्यूट्रल, A2 में सारा डायरेक्ट सब में जा रहा है साथ साथ में। उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर में जाएगा ये स्टार्ट, उसके साथ साथ ही आपका टाइमर में भी जाएगा टाइमर, क्योंकि 10 सेकंड उसमें इस चलाना रहता है ना टाइमर, टाइमर पे NO NC कॉन्टेक्ट रहता है टाइमर पे कुछ इस तरह से। तो 10 सेकंड के बाद जो डेल्टा से स्टार से डेल्टा में आ जाएगा। तो ये है अपना, इसके बाद से इसका यहाँ जैसे देख रहे हैं आप, टाइमर के बाद डेल्टा में भी जा रहा है NO और NC जा रहा है स्टार में। तो ये डेल्टा मतलब ये टाइमर इसके लिए लगाया होगा, इसको इंटरचेंज करने के लिए। तो कुछ इस तरह से ये अपना ये जो दिख रहा है ना कॉमन इसमें से लूप रहेगा, कॉमन से ही NO NC में ये मतलब इंटरचेंज होगा, कॉमन से NO और NC है ना, कुछ इस तरह से। तो ये था कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। कंट्रोल वायरिंग डायग्राम का मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ प्रॉपर एक कंट्रोल वायरिंग बना के जरूर मैं बताऊंगा गाइस। अभी ये जनरल आपको स्टार डेल्टा वायरिंग कनेक्शन था, मैं समझता हूँ कि आपको इसमें क्लियर हो गया होगा स्टार डेल्टा का कनेक्शंस डिटेल। गाइस अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और ये था वायरिंग, थैंक यू गाइस। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट गाइस। ओके थैंक यू।